लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने चुनाव कैंपेन में कई नए जुमलों को शामिल कर लिया है। पीएम के इन्हीं जुमलों को आड़े हाथों लेते हुए सीएम अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री मोदी को जमकर घेरा। सीएम गहलोत ने अटैकिंग मोड पर प्रधानमंत्री पर बरसते हुए कहा कि मोदी सिर्फ जुमले गढ़ते हैं, प्रधानमंत्री मोदी के जुमले सिर्फ उनकी मार्केटिंग में काम आते हैं, पूरा देश उनके जुमले सुन सुनकर ऊब चुका है। दिल्ली में मीडिया से बातचीत में गहलोत ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी का विकास पागल हो गया है। राजस्थान में भाजपा में गुटबाजी को लेकर गहलोत ने पलटवार किया। बहुत दुख की बात है कि मनोहर पर्रिकर जी का निधन का जब सुना कल हम लोगों ने, पूरे समाज को, पूरे देश को धक्का लगा। वो अच्छे इंसान थे, चाहे और किसी पार्टी, दूसरी पार्टी हो सकते हैं, परंतु बहुत ही सादगी पसंद थे, बहुत व्यवहार कुशल थे। उनका जाना हम सबको दुख है। उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे ईश्वर, उनके परिवार को दुख को सहन करने की शक्ति दे। व्यक्तिगत तो मैं कोई अनुभव की बात नहीं कर सकता, क्योंकि वो दूसरी पार्टी में थे, पर जब हम सुनते थे, देखते थे, तो एक अच्छे इंसान लगते थे। उम्मीद करनी चाहिए कि पिछली बार जो बीजेपी ने फाउल खेला था कांग्रेस के साथ में, जिस रूप में गवर्नर को इनवाइट कर दिया, बीजेपी को बहुमत नहीं होने के बावजूद भी वो गलती सुधारने का अवसर दिया है ईश्वर ने। दुखद घटना है, पर क्योंकि निधन हो गया है तो एक अवसर मिला है, तो मैं समझता हूँ बीजेपी को चाहिए कि अहम और घमंड से फाउल खेलने से डेमोक्रेसी मजबूत नहीं होती है, उसके लिए आपको बड़ा दिल रखना पड़ता है। जिसके पास मेजोरिटी है उसकी सरकार बननी चाहिए, और इसलिए कांग्रेस ने भी क्लेम किया कि सरकार हमारी बननी चाहिए। ये तो डिपेंड करेगा वहाँ की लोकल प्रदेश कांग्रेस कमेटी और विधायक दल और वहाँ के गवर्नर, वो प्रोसेस अलग चलता है। प्रियंका जी का इम्पैक्ट तो जब से वो उन्होंने जिम्मेवारी संभाली है तब से ही पूरे देश में इम्पैक्ट दिख रहा है आपको। राहुल गांधी जी ने सोच समझ करके उनको जिम्मेवारी दी है और यूपी की दी है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस रूप में उन्होंने अपना कैंपेन शुरू किया है सबको साथ लेके, और जो अभी तक की फीडबैक आ रहा है वो अच्छा फीडबैक आ रहा है, और गंगा यात्रा शुरू करी है उसका अपना एक अलग इम्पैक्ट है। मोदी जी की तरह प्रियंका जी को जुमला नहीं बोलती है। मोदी जी तो गंगा मैया ने मुझे बुलाया है, वो कुछ भी कह सकते हैं, और गंगा मैया उनको अकेले को नहीं बुलाती, मोदी जी को गंगा मैया दुनिया को बुलाती है, देश को बुलाती है, देशवासियों को बुलाती है, और देशवासी वहाँ जाते हैं, पर मोदी जी की मार्केटिंग के अंदर ये जुमले उनके काम आते हैं। इसलिए मोदी जी के जुमले देश सुन सुन के ऊब चुका है, और इस बार चुनाव में उनके जुमले चलने वाले नहीं हैं। चाहे वो जो भी नया उनका ट्विटर अकाउंट भी आया है, चौकीदार, क्या चौकीदार, हर नाम के आगे चौकीदार लिख रहे हैं, चाहे डॉक्टर इंजीनियर भी हर नाम। इसके आप समझ सकते हो कि चौकीदार कितना घबरा गया है। देश के चौकीदार जो एक बने थे, वो अकेले बने थे, वो कितने घबरा गए हैं। अब समझ में आई है कि उस वक्त में इस प्रकार से बात करना और फिर उसके अनुसार एक्ट नहीं करना, अगर चौकीदार बने थे उस वक्त में प्रधानमंत्री के रूप में, तो अगर चौकीदार की तरह ही वो व्यवहार करते हैं देशवासियों के साथ में, चौकीदार की तरह ही वो गवर्नेंस करते, चौकीदार की तरह वो फैसले करते, चौकीदार की तरह वो वादे निभाते, रोजगार के, काले धन के, 15 लाख के, महंगाई कम करने के वादे निभाते, तो आज ये नौबत नहीं आती। ना तो राहुल गांधी जी और कांग्रेस अटैक करती चौकीदार के नाम पर। राफेल के अंदर क्या हुआ, चौकीदार जवाब क्यों नहीं दे रहा है? चौकीदार चोर है, ये जनता क्यों बोलने लग गई? और जनता इस रूप में बोलने लग गई कि मोदी जी को, जैसे गुजरात के अंदर उन्होंने जब कहा कि विकास पागल हो गया है, विकास पागल हो गया है, तो मोदी जी कहना पड़ा विकास मैं खुद ही हूँ,
आप समझ सकते हैं इस प्रकार की नौबत आती क्यों है, मोदी जी को डिफेंस में आने की मजबूरी क्यों बनती है। इस पे मैं मोदी जी से आग्रह करना चाहूँगा, वो अपने अकेले जब बैठे हैं तो अपनी आत्मा को पूछे, अपने दिल को पूछे कि नौबत क्यों आती है, कि आप विकास को भी कहते हो, मैं खुद विकास हूँ, क्योंकि विकास पागल हो गया था। वहाँ यहाँ पर चौकीदार चोर है, पूरा देश बोलने लग गया था, तो नौबत क्यों आई है कि मोदी जी को कहना पड़ा कि चौकीदार मैं खुद भी हूँ अब भी, और पूरे देश के तमाम हमारे बीजेपी के लोग हैं वो चौकीदार हैं, तमाम हैंडल्स जो है फेसबुक के भी ट्विटर के भी उनके आगे चौकीदार लिखना पड़ रहा है, इसका मतलब वो डिफेंस में आ गए हैं, वो गिल्टी कॉन्शियस है। और मैं कहना चाहूँगा कृपा करके राफेल का जो मामला है, गले नहीं उतरता किसी के भी, 526 करोड़ का प्लेन सरकार बदलते ही बिना टेंडर वापस किए हुए, पुराना टेंडर रद्द किए हुए, पीएमओ अलग प्रोसेस चला रहा है जो कभी हुआ नहीं आज तक, और 526 करोड़ का प्लेन लड़ाकू विमान 1660 करोड़ का कैसे हो जाता है, पूरा देश जानना चाहता है, ये मेरा मानना है। अभी तो शुरुआत हुई है, आगे देखिए क्या क्या होता है।